रघुनाथपुर रेल हादसे के ऊपर बातचीत करेंगे। आपको एक अपडेट दे दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्योंकि एक्स हैंडल यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दुख तो व्यक्त किया ही है, इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने आर्थिक मदद का भी अब ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिवार वालों को आर्थिक मदद का ऐलान यहां पर किया गया, 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि की घोषणा कर दी गई है। हादसे में घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे राशि की घोषणा करी गई है। एक बार फिर आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से राज्य सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा मृतकों के परिजनों को। घायलों की अगर बात करें तो घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने की बात अभी की गई है। तो सीएम नीतीश कुमार ने यहां पर आर्थिक मदद का ऐलान किया। उन्होंने तो ये भी कहा कि मैं रात भर सो नहीं पाया, इतना दुखद और भयावह हादसा है कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। तो सीएम नीतीश कुमार ने इस दौरान क्या कुछ बयान दिया एक बार वो भी सुन लीजिए। तो समझा जैसे ही पता चला है, रात में सब लोगों ने वहाँ पर काम किया है, 4 का डेथ हो गया है, 1 का रिश्ता यहाँ का है, बिहार वालों से देखकर बाहर का, और हम सब लोगों को मदद करने वाले हैं। आप जान लीजिए हम सबको, उसके परिवार को 4-4 लाख देंगे, और जितने भी इंजर्ड हैं उन सब लोगों के लिए भी हम लोग 50,000 रुपए देने वाले हैं। अब बहुत दुखद है, उसके लिए जितना भी काम वाला की है तो उनका घापन है, रेल का मामला है, लेकिन फिर भी जैसे ही पता चला है रात में ही सारे अधिकारी जगे रहे, हमको भी सूचना दे दिया था और एक एक तरह से देख लिया है। तो दुख की बात है जो घटना जो भी घटी है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी सबको पूरा तरफ से कोऑपरेट किया है। तो आपने सुना सीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि हम हर तरह से घायलों के साथ खड़े हैं, मृतकों के परिवार वालों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। यहां पर उन्होंने राज्य सरकार की ओर से अब मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। उनकी ओर से बताया गया है कि 4-4 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे और वहीं 50-50 हजार रुपए घायलों को दिए जाएंगे उनके इलाज के लिए। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं क्योंकि अभी रिस्टोरेज का काम वहाँ पर चल रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पर से मलबा हटाया जा रहा है, दोबारा से जो हालात है वहाँ पर सामान्य करने की जो कोशिश है उसका काम अब चल रहा है। जो बोगीस पलट गई थी उन बोगीस को उठाने का काम चल रहा है। वहीं एक और वहाँ पर हेल्पलाइन डेस्क भी लगा दिए गए हैं ताकि वहां पर किसी को भी कोई अगर परेशानी आती है या किसी को कोई दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन डेस्क में जाकर आप तमाम तरह की जानकारी ले सकते हैं। अलग अलग तस्वीरें नीचे भी 5 कैमरास के आपके सामने हैं, जब हादसा हुआ, जब रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, सुबह के हालात क्या थे, इस तरह की तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। कल रात से लेकर आज सुबह तक की अभी तक की तस्वीरें, पल पल का अपडेट जी बिहार झारखंड आपको दे रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां पर स्थितियों का जायजा भी लिया। वहीं पर इसी दौरान उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की, हादसे में घायल यात्रियों का हालचाल जाना। अश्विनी चौबे ने अस्पताल का इस दौरान निरीक्षण भी किया।